हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हमसे बहुत दूर से मिलने आए हुए हैं एक जने। तो देख सकते हो बहुत ही दूर से आए हुए हैं फ्रेंड। आज हम इधर तो आइए आपको ही मिलवाते हैं। कितनी दूर से आए हैं इनसे ही पूछेंगे कहाँ से आए हैं। आप कहाँ से आए भैया? ये पंजाब से आए हैं। थोड़ा तेज बोलिए ताकि। पंजाब से आए? हाँ फ्रेंड, ये पंजाब से आए हैं। और कितना दिन हो गया, कितने दिन में यहाँ तक आ पाए हो? 4 दिन हो गए फ्रेंड, 4 दिन हो गए। तब जाके वो रात में आए मेरे पास में, फिर मैंने रात में ब्लॉग नहीं बनाया, मैंने अभी शुरू किया है। ये लोग का जो काम था, जो सेटिंग वगैरह था, सारा कर दिया और इनका वीडियो भी बनवा दिया है। और ये लोग जा रहे हैं, तो रात में आए थे हमारे घर पर। सही है रो? तो फ्रेंड, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। 1 साल हो गई इनका चैनल पे, बस 180 सब्सक्राइबर हैं और कुछ नहीं है। ये बहुत बहुत ही दूर से आए हैं, अपने 2 बच्चे को भी लाए हैं। बाबू बोले देखो इनके साथ कौन कौन आया। देखो ये एक बेटी है इनकी और एक बाबू उधर है। फ्रेंड, बहुत ही मुसीबत पड़ी है, बताओ। हाँ, बहुत दिक्कत हुई, बारिश होती हुई आई है, ट्रेन भी रद्द हो गई थी वहाँ से। हाँ, फिर रास्ते में 4 दिन लगे। फिर वो कैसे लगे? तो फ्रेंड, ये 2 बच्चे हैं इनके, देखो बच्चों को लेके पंजाब से यूपी आए हैं। ये देख लो, हमसे मिलने आए हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। ये सब हमसे मिलने आए, रात में आ पाए थे इसलिए मैंने रात में ब्लॉग नहीं बनाया था, इसलिए सुबह शुरू किया है बनाना। तो आप लोग इनके चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। इनके चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार इनके चैनल पे जाके देखना ये किस तरह का वीडियो बनाते हैं। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको सपोर्ट करो, क्योंकि देख रहे हो पंजाब से यहाँ आए हैं यूपी में। भाई इन वैसे ही परेशान हुए, हम तो वैसे भी 1.5 महीने बाद वहीं पहुँच जाएंगे। सामान्य रक्षाबंधन के बाद हम चले जाएंगे वहीं पे, और वहीं आ जाते। अब बताओ, पंजाब से यहीं आ गए वो मिलने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। और ये बता रहे हैं कि 2 रात हमने स्टेशन पर लगाई थी, क्यों? अभी ट्रेन चल नहीं रही है और सवारी टेम्पू वाले हैं, वो भाड़ा भी ज़्यादा लेते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इन्हें। और ये सोच रहे थे कि हमें घर मिलेगा नहीं मिलेगा। आपका तो कैसा लग रहा था घर? सही है, आने में थोड़ी परेशानी तो हुई बारिश की वजह से, वैसे हम यहाँ तक पहुँच गए। ये लग रहा होगा कि हमारा घर मिलेगा नहीं मिलेगा, जो कुछ मन में आ रहा था थोड़ा बताइए। ऐसा लग रहा था हम लगे वापसी लौट जाए, क्या करें क्या ना करें। हाँ, 2 रात अपने स्टेशन पे लगाई, स्टेशन पे गुजारनी पड़ी हमें 2 रातें। और ये जा रहे थे फ्रेंड, हमने इन्हें रोक लिया, ये रात में ही जा रहे थे, हमने रोक लिया। मैंने कि तुम्हारा काम तो कर दिया है, आज रुक जाओ, कहाँ जाओगे रात में। और बारिश भी हो रही है फ्रेंड, देखिए अभी भी बारिश होके बंद हुई है, देखो। तो फ्रेंड, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इनको चैनल को लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दो है, और इनकी जो चैनल की सेटिंग थी, और इनको मतलब सारा सेटिंग मतलब कर दिया इनका, और जो भी काम था वो भी कर दिया, वीडियो भी बता दिया ऐसे से बनाना। और फ्रेंड, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, उम्मीद रहे आपसे। तो बहुत ज़्यादा परेशान है, देख रहे हो। अब फिर ये जाएंगे पंजाब तो 4 दिन लग जाएंगे आपको, ले 4 दिन लग जाएंगे फ्रेंड। बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और दीदी, आप बताइए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? 1 साल हो गई, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो इन लोगों को, ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और देखिए, ये 2 बच्चे हैं इनके, 1 साल हो गए बनाते, कुछ नहीं। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, तो देख रहे हो। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो आप लोग, जो ये कि आगे बढ़ सके। पंजाब से इतनी दूर आए हैं, मेरे को तो खुशी हो रहा है इतनी दूर से आए। और मैं वैसे भी वहीं जाने वाली हूँ, रक्षाबंधन के बाद चली जाऊँगी, तो मैंने सोचा वहीं पे आ जाना। तो मैं इनको नंबर दे दिया है, जो कोई आता है उनको नंबर थोड़ी दे देती हूँ, मतलब प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है लोगों को, तो मतलब ये इनको वहीं बुला लेंगे तो वहीं मिल जाएंगे हमसे, पंजाब में जाएंगे तभी। तो ब्रांड, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं इनका, और आप लोग भी करिए एक बार इनके चैनल पर, प्लीज़ जाके देखिएगा, उम्मीद रहेगा आप लोग ज़रूर जाओगे। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। और इधर देखिए, हमारा बाबू रो रहा है। है बाबू, क्यों रो रहे हो? है बाबू, पापा डर पाए तो डंडा लेंगे। देखो हमारा बाबू रो रहा है इधर। तो फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, अभी बारिश में ये आए थे और सारे ही भीग गए थे।
तो अभी भी जा रहे हैं और पता नहीं 3-4 दिन लगेंगे तभी पहुंच पाएंगे। बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, आप लोग जानते हो सफ़र में, अगर एक दिन का सफ़र हो तो कितना दिक्कत होता है। तो फ्रेंड इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है चढ़ने भी ना देता ट्रेन में धक्का। हाँ तो देखो दो बच्चे और बैग लेके फ्रेंड, ट्रेन छूट गई फिर आए सुबह बारी ट्रेन पकड़ी। तो फ्रेंड इनका चैनल का हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तभी वीडियो को चैन सपोर्ट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, बाय बाय।